लिया तुम्हें? नहीं गलत है, तुमने पहाड़ी पर से चढ़कर शॉर्टकट लिया था। सुनो दोस्तों, मैंने एक गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रहने दो, हमें कोई गाना वाना नहीं सुनना। नीला आओ, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और टेग हमें पकड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। सर्दी की कहानी। ठीक है तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू और जादुई गीत के बारे में कहानी सुनाऊंगा। सुन रही हो मीला? ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत ही बलवान और दयालु था। वो टैगा का राजा था, सारे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे। पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक गया। भालू अकेला और उदास हो गया। वो जंगल में अकेला घूमता और भयानक आवाज में हुंकारता था। अपनी हुंकार से बच्चों को डराता और जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर एक बार कहीं से छोटी सी चिड़िया भालू के पास एक पेड़ की डाल पर आकर बैठी और गाना गाने लगी। सर्दी खत्म होगी और फिर से वसंत ऋतु आएगी, फिर से सूरज चमकेगा, फूल खिलेंगे और सभी जानवर खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये गीत सुनते सुनते भालू सो गया। उस समय से सर्दी का मौसम आते ही भालू जंगल में नहीं घूमता। वो अपनी गुफा में घुसकर वसंत ऋतु के आने तक सो जाता। सुनिए मापा पंडेगा, क्या ये बात सच है कि भालू सोते समय अपने मुंह पर पंजा रखकर सोते हैं? ये कोई कैसे बता सकता है? सोते हुए भालू की गुफा में घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देख, तुम्हें क्या लगता है, भालू अपने मुंह पर आगे वाला पंजा रखता होगा या फिर पिछला? नहीं, आगे वाला, पिछला पंजा मुंह तक नहीं आ रहा। वैसे ये जानने के लिए हमें पंडिका के सोने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना होगा। चलो भालू की गुफा अभी देखें। घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस गुफा में देख ही तो रहा हूँ। लियो, लियो, कोई बचाओ! भागो मीला, भागो, बचाओ! भागो, भागो! हमने क्या किया? भालू को वसंत ऋतु तक जगाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? भालू को किस तरह से सुलाएंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ, भालू को सुलाएंगे गाना सुनाकर। हम उसको एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ गाना सुनाएंगे और वो सो जाएगा। क्या मैं गाना गाऊं? ओहो, गाना गाऊं? गाना आता भी है, गाने के साथ नाचना भी। ये मजाक नहीं हो रहा, समझी? पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बहुत बढ़िया, हम उसे एक बोरिंग कहानी सुनाएंगे, वो बोर होगा और बोर होने की वजह से सो जाएगा। लियो, पर उसके लिए तो हमें उसे शांत करना होगा। उसका तरीका है मेरे पास, ये काम आएंगे। हाँ,
वो आ रहा है, सब तैयार रहो। देख, रील दो। जरा डरो मत, शुरू हो जाओ, तुम कर सकती हो। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो टैगा में खतरनाक तूफान आएगा, बहुत बड़ा बर्फीला तूफान, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर देगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैं हूँ बर्फीला तूफान, मैं सब खत्म कर दूंगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगल के सभी निवासियों को वो बर्फीला तूफान बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अपने घर में गहरी नींद सोता, बर्फीला तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक बार एक छोटा भालू अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने फिरने लगा और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को देखकर चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगा, तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले। अरे वो देखो, बर्फीला तूफान उसे जमाने वाला है। कुल्फी जमा दूंगा, जमा देगा। ठीक, बस करो, बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को जमाने वाला है। पकड़ कर ले जाऊंगा। पर एक छोटी चिड़िया ऐसी थी जिसे डर नहीं लगा। वो चिड़िया उस बर्फीले तूफान के पास आ गई और एक पेड़ की टहनी पर बैठकर वसंत ऋतु और गर्म सूर्य के गीत गाने लगी। और बर्फीला तूफान वसंत ऋतु से डर गया। बर्फीला तूफान झटपट 9-2-11 हो गया। ओह नहीं, वसंत ऋतु नहीं, नहीं, मुझे वसंत ऋतु से डर लगता है। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है वसंत ऋतु से, मुझे डर लगता है। वो बहादुर चिड़िया भालू के बच्चे को उसके घर ले गई और एक सुरीला गाना भी सुनाया। लियो लियो, मुझे गाना नहीं आता। ठीक है, जैसा आता है मैं कोशिश करती हूँ। लियो क्या करे, मुझे लगता है उसे ज़ारा का गाना पसंद नहीं आ रहा। देख रहा हूँ, पर मैं भी नहीं गा सकता। ज़ारा, मैं कोशिश करती हूँ। नीला कहाँ जा रही हो तुम, कैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगी। बर्फीला तूफान गरजेगा शैतान, बिछा देगा पेड़ों पर बर्फ की चादर, पहना बर्फ का घूंघट देगा धरती को, झटपट सो जाओ भालू प्यारे, उठना तुम सवेरे, सो जाओ भालू प्यारे, नींद सोएगी लहरी के बच्चे, सोएगी चुप पतंगे, बीत जाएगा खाब सा सर्दी का मौसम, फिर लौटेगा सूरज, आएगी बसंत बहार, फिर से वृक्षों के पत्ते होंगे हरे भरे, फिर आएगी गर्मी, सो जाओ दिखाओ नरमी। शाबाश मीला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पक्षी। अब इसे हिलाएं कैसे? धीरे धीरे, ध्यान से, बहुत भारी है, चल ना जाए। शुक्रिया मीला, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं, क्या वो सो गया? सुनो, वो सो रहा है ना? हाँ, और उसने मुंह पर पंजा रखा हुआ है। मीला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो जैसा तुमने अभी गाया। सो जाओ भालू प्यारे, नींद लो राज दुलारे। क्या हुआ, मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। अच्छा बहुत हुआ। सो गए हैं किलहरी के बच्चे, सो गए हैं कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का ये मौसम, फिर से लौट आएगा सूरज, फिर आएगी गर्मियाँ, फिर आएंगी
सो रहा है, देखा एक अच्छा गाना कैसा जादू कर सकता है। जादुई नदी। जन्मदिन है, शुक्रिया। ए लियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक सपना देख रहा था, बहुत अच्छा सपना। सपना? क्या देखा सपने में? मैंने देखा मैं जादुई नदी के ऊपर उड़ रहा था और बहुत मजा आ रहा था। उड़ता हुआ तेंदुआ, देखो तो इसे, क्या मजाक है। आगे फिर बताओ, आगे क्या हुआ? आगे आगे टिग ने मुझे जगा दिया। अच्छा लियो, मैं जानता हूँ कि जादुई नदी कहाँ पर है, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ये है वो जादुई नदी, बिल्कुल सपने जैसी। लियो, नहीं, रुको लियो। ये तो तितलियों का झुंड था। अरे कोई नहीं लियो, तुम उदास मत हो, एक सपने के लिए इतना परेशान क्यों हो ना? सिर्फ एक सपना नहीं था, सबसे अच्छा सपना था। मैं उसमें उड़ रहा था। ओह, हमने अपने दोस्त को नाराज कर दिया, वो भी उसके जन्मदिन पर। मापा पंडिका, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो आज लियो का जन्मदिन है और वो चाहता है कि वो जादुई नदी को देखे दिल से। और मैंने कोशिश की उसे जादुई नदी दिखाने की, पर हो ना सका। जादुई नदी हर किसी को नहीं दिखती। तो क्या जादुई नदी सच में होती है क्या मापा पंडिका? अच्छा तो सुनो, बहुत समय पहले सीमैन प्रजाति की एक मछली माजू नदी में रहती थी। वो समुद्र और नदियों में शांति बनाने का काम और सभी की मदद करती थी। उसके बहुत से दोस्त बन गए, पर एक दिन माजू ने नदी के ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। माजू भी हवा में उड़ने का सपना देखने लगी। माजू ने उड़ने के लिए ऊपर छलांग लगाई, पर वापस पानी में गिर पड़ी। वो बहुत उदास हो गई और नदी के तल पर आन पड़ी। माजू एक अच्छे स्वभाव की मछली थी, इसलिए उसके दोस्त उसकी मदद करने में जुट गए। वो सभी नदी देवी के पास गए और माजू का सपना पूरा करने के लिए नदी देवी से प्रार्थना करने लगे। देवी ने नदी को जादुई नदी में तब्दील कर माजू को हवा में उठा दिया। सीमैन पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगी। उस समय से हर सीमैन मछली जीवन में एक न एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए हवा में छलांग लगाती है, परंतु ये सपना केवल उसका पूरा होता है जो सदैव अच्छे काम करता है और ईमानदारी से मित्रता निभाता है। तो वो तो तुम कर ही चुके हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, लियो तुम्हें जरूर समझेगा। तो सुना तुम लोगों ने दोस्तों, उसने लियो को बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, हमें वो छीनना होगा। सही कहा आपने, हम वो तोहफा छीन लेंगे। पर हमने तो ये तोहफा देखा भी नहीं है, फिर ये होगा कैसे? हमें तो कुछ ऐसा करना होगा कि लियो वो तोहफा अपने आप हमें दे दे। हम उसे ले जाएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, जहाँ पर तुम उसे डराओगे। समझ गया, समझ गया। मैं उसे बचाऊंगा तुमसे, और वो मुझे वो चीज, वो तोहफा अपने आप दे देगा। पर वो खतरनाक जगह है कौन सी? वो है काली चट्टान। काली चट्टान। अच्छा, वो लियो किस चीज के सपने देख रहा है? जादुई नदी के सपने देख रहा है वो। तो हम उसे वही दिखाएं। कह
कहते हैं तेंदुए नहीं उड़ते, पर मैं तो उड़ रहा था। लियो, आज कितना अच्छा मौसम है ना? इस मौसम में जादुई नदी बहुत ही सुंदर दिखती है, मैं सच कह रहा हूँ कसम से। जादुई नदी? चित्राला तुमने क्या कहा, जादुई नदी? क्या तुमने उसे देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? वाओ, हाँ देखना चाहूँगा। लियो, लियो, कहाँ चला गया ये? लियो, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? मुझे दिख रहा है लियो, और वो चित्राला के साथ ये कहाँ जा रही है? वो काली चट्टान की तरफ जा रही है। क्या कहा, काली पहाड़ी की तरफ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, चलो उनके पीछे चलते हैं, जल्दी चलो। और कितना आगे, कहाँ है जादुई नदी? थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा आगे जाओ, और आगे उसके किनारे पर जाओ। पर मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। हे, संभाल के, मदद करो, पकड़ो, ऊपर आओ। बाद में देखेंगे, हट जाओ रास्ते से। लियो पकड़ो, लियो, लियो, नहीं, सबने मिलकर मेरी मदद न की होती, तुम लोग मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो।
कहीं तो अनंत आसमान की ऊंचाई पर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खूबसूरत और घने बादलों पर एक लाल हिरन रहता है। कभी कभी वो धरती पर आता है। बिजली का गरजना उसके कदमों की आहट है। बिजली का चमकना उसके चमकते हुए सींग हैं। वो बहुत ही भूखा होता है। वो रास्ते में आई हुई हर चीज को कुचल देता है या फिर चला देता है और पूरे के पूरे पेड़ों को हड़प कर जाता है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। जब भी कभी तुम्हें वो लाल हिरन दिखे, भागो। बच्चों डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है। लाल हिरन। अब हम बाहर घूम सकते हैं। हाँ, अब हम बाहर आ सकते हैं। हाँ, हुर्रे! तो क्या चलें लंबी सैर पर? अलविदा मापा पंडिका। अलविदा मापा पंडिका। अलविदा। अलविदा। वैसे कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे वो लाल हिरन मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। लियो कहाँ है? दोस्तों याओ। लियो, ये सारे पेड़ कहाँ गए? लगता है कोई इन्हें खा गया। पर कौन? वही खतरनाक शैतान, लाल हिरन। लाल हिरन? यारा, ये मजाक की बात नहीं है। पर मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ठीक है, हो गया, चलो, धकेलो, जल्दी बंद करो, जोर लगा के है ईशा। वाव, तो यहाँ है सारे के सारे पेड़। बीवर चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे क्या, हम पुल बना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से, जोर लगा के है ईशा। वाह, क्या बात है, ये तो एक पुल है। तुम्हें पता है मैं नदी के उस पार कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या हम भी आपके साथ उस पार आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, पर ध्यान से आना तुम लोग। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, माँ ने मना किया है। क्या बात कर रहे हो, तुम बस डर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक, आ जाओ ना। मैं डर रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ए, क्या देख रहे हो, चलो काम करो। अरे वाह, क्या गजब का पेड़ है, मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। वाह। हाँ, मुझे लगता है कि ये देवदार का पेड़ है, पेड़ों का राजा। पेड़ तो पेड़ होता है, चलो आगे चलते हैं। लगता है ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से आगे जाएं। अच्छा, अच्छी बात है, तो अब तुम ये भी कहोगी कि ये जादुई पेड़ है? और अगर ये सच में जादुई पेड़ हुआ तो? डरपोक कहीं के। डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक। मैंने तो कहा ही था, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हीरो, ये तो सिर्फ पक्षी है, तुम्हें क्या हुआ? वो देखो, जिसके
के बारे में हमें जादुई पेड़ चेतावनी दे रहा था। वो रास्ते में आई हुई सभी चीजों को तहस नहस कर रहा है और पेड़ों को जला रहा है, क्योंकि वो है शैतान लाल हिरन। भागो! किसी ने मेरे बच्चे को देखा? कहाँ हो तुम? क्या हुआ आंटी? मेरा बेटा मार्दिक नहीं मिल रहा, खो गया। नहीं मिल रहा? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। हम भी आते हैं। नहीं टेक, तुम सबको नदी के पास लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुना तुमने लियो ने क्या कहा? सब मेरे पीछे आओ। आप घबराइए नहीं, लियो मार्दिक को जरूर ले आएगा। मार्दिक! अच्छा तो तुम यहाँ हो मार्दिक, तुम मुझे सुन रहे हो? मार्दिक, हमें भागना होगा। चलो भागो, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, जल्दी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी सब ठीक तो है ना? मैं सभी को नदी के पास छोड़ कर आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल चुप रहो। लगता है चला गया। मेरा बच्चा! क्या हो गया? उन्हें तो वक्त क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो धुएं में कहीं खो गए हो? अरे देखो वहाँ, देखो कोई भाग रहा है। मार्दिक! ये तो मेरा मार्दिक है। मामा, मैं यहाँ। पर कैसे? हम लोग भला इसे कैसे रोक सकते हैं? समझ गया, हमें इस पुल को गिराना होगा। क्या मजाक है, अभी तो बनाया हमने इस पुल को। पानी के बहाव से आग बुझ जाएगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना सारे पेड़ जल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जोर लगा के हईशा। और ये हो गया, हिरन पास आ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पाएंगे, हमें उस पेड़ के तने पर कूदना होगा। लियो, पानी में जाना जरूरी है क्या? तुम फिर शुरू हो गए। कुछ कीला कीला लग रहा है। देख, आगे धकेलो। संभाल के। सारे लोग दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब दूर हो जाओ। लगता है हमने कर दिखाया। अरे हाँ, हमने कर दिखाया, लाल हिरन को हरा दिया। पुर्णे, पुर्णे। हमने भगा दिया। बच्चों तुम ठीक हो?
मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लाल हिरन से मजाक करना ठीक नहीं है। माँ पपंडिका, हम ठीक हैं। पता है हमने लाल हिरन को हरा दिया और अपने जंगल को बचा लिया। और देखो अब यहाँ पर चार तेंदुए हैं। चार नहीं, पाँच। मैं भी जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुमूल्य। ठीक, चलो उठो, बाहर निकलो। सो कौन रहा है? मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तो क्या तैयार हो तुम दौड़ के लिए? दौड़ के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ दौड़ के लिए। तुम तैयार हो तो चलो आओ भागो। रुको, ये सही नहीं है। तुमने दौड़ के लिए रेडी स्टडी को तो कहा ही नहीं, ये चीटिंग है। रुको। यहाँ पहले पहुँचा। लियो, ये सही नहीं है, तुम्हारे पंजे मेरे पंजों से लंबे हैं। रहने दो टेक, ये पंजों की बात नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने दो बार प्रैक्टिस की थी, पता है तुम्हें? अरे बच्चों सुनो, झगड़ा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो कि किंगफिशर पक्षी और उल्लू के साथ हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? बहुत समय की बात है, जब यह विशाल देवदार वृक्ष केवल एक छोटा सा पौधा था, उस समय जंगल में दो पक्षी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लाल चोंच वाला किंगफिशर और मछली खाने वाला उल्लू। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ हवा में कलाबाजियां खाते, उड़ते, खुश रहते थे। पर एक दिन किंगफिशर ने पानी में अपनी परछाई देख ली, उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। किंगफिशर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगा, देखो मैं कितना रंग बिरंगा हूँ और तुम तो कितने बेरंगे हो, तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। उल्लू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो घने जंगल में चला गया। क्या कहा? घने जंगल में? मैंने सुना है जो घने जंगल में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हाँ हाँ, उसी घने जंगल में किंगफिशर अपने दोस्त के बिना उदास हो गया और अपने दोस्त को ढूंढकर उसने अपने किए पर माफी मांगने का निश्चय किया। ये सोचकर किंगफिशर बूढ़े झरने के पास गया और उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, कृपया बताइए कि मुझे अपने दोस्त को कैसे ढूंढना चाहिए। बूढ़े झरने ने मदद करने के बदले किंगफिशर पक्षी से उसके रंग बिरंगे पंख के रंगों की मांग की। किंगफिशर रो पड़ा, ये रंग बिरंगे पंख मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। पर फिर भी किंगफिशर ने अपने रंग बिरंगे पंख के रंग देकर अपने दोस्त को वापस पा लिया। और तब वो ये समझा कि उसने गलत किया था और सबसे बहुमूल्य जो है वो है। लियो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, जल्दी चलो, दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मापा पंडिका, कैसे हैं आप? दौड़ प्रतियोगिता? वाह क्या बात है, चलो टेक, हमें दौड़ प्रतियोगिता में जाना है। हाँ बिल्कुल, चलिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं। सभी को बड़ी पहाड़ी के पास से होकर जंगल से दौड़ते हुए यहाँ वापस लौटना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं टेक, कूबा, मीला और इस प्रतियोगिता में तीन बार के विजेता रहने वाले लियो। तो आप सब तैयार हैं? Ready, steady, go!
बात है। देखते कौन जीता है, मैं ही जीतूंगा। सच में? क्या बात है, मैं जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही कमाल दौड़ा, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये सही नहीं है, देख उन्हें बता दो। मजा आ गया, आज तो लियो ने कमाल कर दिया। अरे क्या बात है, टेक ने कमाल कर दिया, वो जीत गया। पर उसने चीटिंग की है। तुमने चीटिंग की है। अरे छोड़ो यार लियो, अगर तुम पहाड़ी से रास्ता ना काटते तो मैं ही जीतता। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम रेस हार जाते। अच्छा ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। रहने दो, पता है तुम रेस कई बार जीत चुके हो पर मैं आज तक नहीं जीता। तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लियो तुमने कुछ सुना? आवाज उस तरफ से आ रही है, घने जंगल के अंदर से। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, हम आ रहे हैं। बचाओ। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे पकड़ लूंगा। जल्दी आओ। मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं आऊंगा। देख रुकने का वक्त नहीं है, तुम तो चैंपियन हो ना, आओ मेरे साथ। मैं चैंपियन नहीं हूँ, वो तो तुम हो। देख हमारे पास वक्त नहीं है, खरगोश के बच्चे को बचाना होगा। नहीं लियो। अच्छा ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम मदद मांग कर लेकर आना। ऊंचा है, मुझे माँ के पास जाना है। हम नहीं चढ़ पाएंगे। मुझे जाना है माँ के पास। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मदद आती ही होगी। लियो, लियो तुम कहाँ हो? लियो तुम कहाँ हो? लियो तुम कहाँ हो? बच्चों घबराओ मत, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। एक सच बताऊं, मैं इस ताज के लायक नहीं हूं। ये तो लियो का है, मैंने सबको धोखा दिया। अरे ये तो ऐसा है जैसे कहानियों में हुआ करता है। चलो उस तरफ, जल्दी करो। माँ के पास जाना है। तुम डरो मत, मेरा दोस्त देख अभी हम दोनों को बचाने आने वाला है, तुम्हें पता है। वाह, इस इंद्रधनुष को तो देखो। इंद्रधनुष, क्या बात है। लियो, ये लियो देख, यहाँ देखो हम नीचे हैं। हे, मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। लियो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैंने सबको सच बता दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अरे देख छोड़ो भी, सब ठीक है, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ, ध्यान से, आराम से। देख
ताज किसका है? ये लियो का है। नहीं, टिक का है। क्या हो रहा है टिक? चलो ना देवदार तक दौड़ लगाते हैं। आओ ना। एक मिनट, जरा मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है ना? आज तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना। हो सकता मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तुम। क्या मजाक है। चलो।